पीपलकोट उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मांडवी में पानी की काफी समस्या है। इस स्कूल में हैंडपंप नहीं है। स्कूल के स्टाफ व बालक बालिकाओं द्वारा दूर से पानी लाना पड़ता है। बालक स्वयं पानी के लिए रोड क्रॉस कर पानी लाते हैं। कई दिनों से ये समस्या हो रही है। किसी प्रकार कोई हैंडपंप वगैरह की नहीं है। स्कूल में नामांकन भी करीबन 200 के आसपास का है। बनाते हो तो पानी कहाँ से लाते हो? कुआ कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, तो कुएं में कैसे पानी निकालते हो? नान की मोटर लगेड़ी। अच्छा, अंदर उतर के निकालते हो पानी, कैसे क्या करते? हाँ, नहीं साले लायक नहीं साले टीवड़ा, अंदर उतरू पड़े। अच्छा, अंदर उतर के लाते हो। तो अंदर कोई पंक्तियाँ वंक्तियाँ है? कुछ नहीं, पंक्तियाँ डली है, पिलाई पिलाई उतर। चलो, आप बच्चों के लिए पानी की कैसे क्या इंतजाम करते हो? पानी तो एक ओपन वेल है, कुआ है, उसमें से एक छोटी मोटर डाल रखी है, लेकिन अभी गर्मी का टाइम आ गया, कुआ भी चुक गया है, तो कोई व्यवस्था नहीं सकती है। लगभग 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। पानी के बारे में आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया था? नहीं कराया सर, एप्लीकेशन दी थी प्रधान साहब को और मेम्बर के थ्रू ADM साहब को देंगे यूँ करके। पहले 26 जनवरी को 15 अगस्त दिन एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी। तो आपने कोई अभिभावक समिति की मीटिंग गठित कर रखी है, तो अभिभावकों ने भी आगे किसी को नहीं बताया, किसी जनप्रतिनिधि या अभिभावकों के माध्यम से पूछा था हमने? हमारी समिति है और SMC वाले MDB वाले मेंबर साहब को बना रखा है, तो उनके थ्रू आगे भेजी थी। आपके स्कूल में पानी की क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं। आसपास हैंडपंप पानी कहाँ से लाते हो फिर आप? 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, आसपास कोई स्कूल के आसपास हैंडपंप नहीं क्या? नहीं। तो ये व्यवस्था कौन करता सब कुछ पानी की? हम ही जाते लेने के लिए। अच्छा, आप ही जाते हो। पूर्व में हैंडपंप था या नहीं था? नहीं था। जो हैंडपंप ये बिल्कुल खोदा हुआ था, ये कब का, कितना पुराना है? बहुत। कितना समय हो गया इसको?